नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब समय आ गया है, शास्त्र के साथ शस्त्र चाहिए। ये बयान न केवल चौंकाने वाला है बल्कि देश के सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या ऐसे बयानों से समाज को उकसाना सही है? क्या ये लोकतंत्र और शांति के लिए खतरा नहीं है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रवि किशन जी अपने परिवार, खासकर अपनी बेटी के लिए भी यही राय रखते हैं? उनकी बेटी रीवा किशन, जो कि 2020 में बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी है, एक अलग जीवन शैली और करियर की दिशा में बढ़ रही है। क्या रवि किशन जी ने कभी अपनी बेटी को शस्त्र उठाने का आह्वान दिया? आइए इन सभी सवालों के जवाब और कुछ जरूरी तथ्य जानने की कोशिश करते हैं। रवि किशन का यह बयान तब आया जब वे एक धार्मिक या फिर राजनीतिक मंच से बोल रहे थे। अक्सर ऐसे मंचों पर दिए गए बयानों का राजनीतिक और सांप्रदायिक मकसद होता है। शास्त्र का मतलब है ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति, जबकि शस्त्र का मतलब है हिंसा, युद्ध और हथियार। जब एक जनप्रतिनिधि इस तरह की बात करता है तो इसका सीधा असर समाज के उन लोगों पर पड़ता है जो उसे फॉलो करते हैं और उसकी बातों को गंभीरता से भी लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या रवि किशन के इस बयान का कोई विशेष मकसद है? देखिए, रवि किशन का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब देश में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा इस तरह के बयान समाज को और विभाजित करने का काम करते हैं। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में ऐसे बयानों की जगह होनी चाहिए और क्या जनप्रतिनिधियों को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी करना चाहिए? क्या ये समाज में हिंसा को बढ़ावा देना नहीं है? अब अगर हम रवि किशन जी की व्यक्तिगत जिंदगी पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि उनके परिवार की स्थिति उनके बयानों से बिल्कुल अलग है। उनकी बेटी रीवा किशन ने 2020 में बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। रीवा ने अपने अभिनय करियर में कदम रखते हुए फिल्म सब कुशल मंगल से बॉलीवुड में एंट्री की थी। वो एक उभरती हुई अभिनेत्री हैं और उनकी जिंदगी का उद्देश्य कला और मनोरंजन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर रवि किशन जी समाज के युवाओं से शस्त्र उठाने का आह्वान कर रहे हैं तो क्या उन्होंने यही बात अपनी बेटी को भी कही? इसका जवाब शायद नहीं होगा। रीवा किशन की जिंदगी का उद्देश्य और उनका करियर किसी भी तरह से हिंसा या शस्त्रों से संबंधित नहीं है। वे कला और मनोरंजन के जरिए समाज को जोड़ने और प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि कोई नेता अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक अलग मापदंड रखते हैं जबकि जनता के सामने कुछ और बातें करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ये नेता अपने बच्चों को एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन देने की कोशिश करते हैं जबकि आम जनता को संघर्ष और कठिनाइयों में धकेल देते हैं। रवि किशन जी का बयान भी इसी दोहरे मापदंड की एक मिसाल है। वे मन से शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं जबकि उनके अपने बच्चे मनोरंजन की दुनिया में अपना भविष्य देख रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये दोहरी सोच एक जिम्मेदार प्रतिनिधि के ये सही है? जब कोई नेता या जनप्रतिनिधि इस तरह के बयान देता है तो इसका सीधा असर समाज पर पड़ता है, खासकर युवाओं पर पड़ता है। युवा अक्सर अपने आदर्शों को फॉलो करते हैं और उनके विचारों से प्रभावित होते हैं। रवि किशन जैसे नेताओं के बयान न केवल हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि समाज में सांप्रदायिक तनाव भी पैदा कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने की आजादी है, लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि हिंसा या शस्त्र उठाने जैसी बातें करता है तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। रवि किशन का यह बयान केवल सांप्रदायिक माहौल को और खराब करने का काम कर सकता है। जिम्मेदार नेता का काम समाज को जोड़ने और शांति बनाए रखने का होना चाहिए, ना कि हिंसा को बढ़ावा देने का। रवि किशन के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या रवि किशन जैसे जनप्रतिनिधियों को इस तरह की बातें करना शोभा देता है? क्या ये देश के लोकतांत्रिक और सांप्रदायिक ताने बाने को कमजोर नहीं करता? जहां रवि किशन की बेटी बॉलीवुड में अपना करियर बना रही है, वही बॉलीवुड के कुछ जाने माने सितारे और फिल्म मेकर भी इस बयान की आलोचना कर चुके हैं। कई लोगों ने इस तरह के बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि नेताओं को अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। रीवा किशन ने अपने इंटरव्यू में कभी शस्त्र या फिर हिंसा की बात नहीं की है। वो अपने पिता से बिल्कुल अलग सोच रखती नजर आ रही है। उनका करियर, उनकी सोच और उनका उद्देश्य समाज को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करना है। यह दर्शाता है कि रवि किशन जी के अपने परिवार के लिए अलग मापदंड है जबकि वे समाज के लिए कुछ और ही संदेश देना चाहते हैं। ये दोहरी मानसिकता एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के लिए उचित नहीं है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, रवि किशन का शास्त्र के साथ शस्त्र वाला बयान केवल एक विवादास्पद बयान नहीं है बल्कि ये उनके दोहरे मापदंड को भी उजागर करता है। जहां उनकी बेटी फिल्मों में अपना करियर बना रही है, वहीं वे समाज के युवाओं को हिंसा और शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं। ऐसे बयानों से समाज का नुकसान हो सकता है और सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। नेताओं को अपने शब्दों का चयन सोच
समझ कर जो है वो करना चाहिए, क्योंकि उनके बयान सीधे तौर पर समाज के माहौल को प्रभावित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को मिलट टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलट टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।